फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए होम रेमेडी। और जैसा कि कुछ दिनों से मेरी सिस्टर की कॉल आ रही थी कि आपके हाथ जो हैं वो इतने डार्क होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो सच में डार्क हो रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि कोई डार्क नहीं है, क्यों ऐसे बोल रही हैं, और ये सच में ही डार्क हो रहे हैं। तो खैर, मेरी हेल्पर, हाउस हेल्पर, जैसा कि आपको पता है, वो नहीं थी आ रही, तो जाहिर सी बात है घर के काम भी ज़रूरी हैं, जैसे कि कपड़े वॉश करना, बर्तन धोना, घर की सफाई, ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना आपके हाथ तो फिर हो ही जाते हैं, ऐसे डार्क हो जाते हैं। तो ऐसा है कि मैंने यहाँ सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी एक होम रेमेडी छोटी सी, जो हर वो चीज़ में जो आपके किचन में आराम से जो आपको मिल जाए, ठीक है ना, मैं वो वाली लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैंने एक दफ़ा ये जो किट थी मैंने यूज़ की थी मैनीक्योर पेडीक्योर की, ये कोई रिव्यू नहीं है। तो ये है इंडियन जो हैंड एंड फीट जो है ना वो किट है, फेशियल किट, ठीक है। तो ये मैंने जो इसको मैंने करवाया था ईद से पहले चांद रात को, तो वो अगर किसी को मेरा व्लॉग देखना है तो वो आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक है, मेरे चैनल पे ही है, व्लॉग का नाम है आज तो घर पे ही पॉलर खोल लिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग इसका अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पे देख लीजिए। तो वैसे जो आपको घर के लिए जो चाहिए मैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, और मैं रिज़ल्ट आपके सामने ही देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ इसमें कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है जो कि ये हर चीज़ आपके किचन में होती है, जैसा कि बेसन हो गया, दही हो गया, ये हल्दी है एक पिंच, मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। और ये आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने डालना था हनी, तो मैंने सोचा जितना मैंने हनी इसमें डालना है उससे बेहतर है मैं कि मैं सीधा इसी में डाल लूँगी, जो कि इसमें भी लगाऊंगी, फिर मैं इसमें भी डालूंगी, इसमें भी, तो फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ से थोड़ा सा निकाल के इसी में डाल दूँगी, तो इस वजह से मैंने इसी में रहने दिया है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ कि मैं कैसे ये सब करूँगी, और रिज़ल्ट भी मैं, पहले आप मेरा हाथ जो है वो ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है, तो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसको मैंने एक हाथ पे लगा लिए, और अभी एक हाथ पे मैंने नहीं लगाया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाना है कि अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है फिर भी आप लोग भी फिर ही यूज़ करेंगे ये वाली रेमेडी जो है। तो मुझसे किसी ने हेयर की भी पूछी थी, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो मैं हेयर पे ले कर आने वाली हूँ, तो फिर वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कैसा रिज़ल्ट आया इसका, ठीक है। तो अभी इसको हमने छोड़ना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता जब तक छोड़ती हूँ मैं, सही है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे इसको लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे तो नींद भी आने लग गई है। अभी मैं इसको जाकर वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको, दोनों हाथ में कोई इस पर रिज़ल्ट आया या नहीं। वैसे मुझे काफ़ी बेहतर तो लग रहा है अभी तो,
लेकिन फिर भी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो चलिए इंतज़ार करिए, मैं भी वॉश करके इसको आ रही हूँ। ठीक है,